बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन का फोर्थ वीडियो लेक्चर, जिसमें कवर करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये पढ़ने से पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, तो ही आपको आगे का समझ में आएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करता है। तो रोल्स लॉ हमने कहाँ पढ़े हैं? हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो इसलिए पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, उसके बाद कंटिन्यू करें, ठीक है? तो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन ओबे, देखो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, आइडियल सॉल्यूशन ओबे रोल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और फिर मतलब उसके कंडीशंस देखें, नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन टू कंपोनेंट फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। अब देखो कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे बन रहा है? ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में हमेशा दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो ये देखो, हम यहाँ पर लेते हैं सॉल्यूट, दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स्ड होते हैं, दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, तो बनता है क्या? सॉल्यूशन, ठीक है? तो जब हमने यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिया है, तो जब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, तो इसमें हीट इवॉल्व भी नहीं होना चाहिए और हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं। तो उस टाइम पर इंथैल्पी कैसी होगी इसकी? ज़ीरो, क्योंकि हीट बढ़ भी नहीं रही है, इवॉल्व भी नहीं हो रही है और हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है, तो एंथैल्पी चेंज हो ही नहीं रही है। दस द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ज़ीरो। और एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हमने थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन है, देर इज़ नो वॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनेंट फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई कि दो कंपोनेंट जब हम मिक्स्ड कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स्ड कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। दस वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट टेकन फॉर मिक्सिंग। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो, मतलब बढ़ भी नहीं रहा है और कम भी नहीं रहा है। सपोज़ ये अगर 50 ml सॉल्यूट है और 50 ml हमारे पास में सॉल्वेंट है, तो दोनों को मिलकर ये 100 ml बन रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब दो कंपोनेंट मिक्स होकर, मतलब इसका सम होकर वो इक्वल हो रहा है सॉल्यूशन के। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि एक कंडीशन हमने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन जो है उसने रोल्स लॉ को ओबे करना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमने देखा कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, हीट इवॉल्व भी नहीं होना चाहिए, हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमने देखा कि जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों का सम इक्वल वो सॉल्यूशन बनना चाहिए। फिर और कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन की, इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट 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 एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिकुलर इंटरेक्शन आर कंपेरेबल। अब देखो कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए। देखो फिर से हम बता रहे हैं कि दो कंपोनेंट है हमारे पास में, एक सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन है, वो कहलाता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब वो इंटरेक्शन हमने 11th में पढ़ा है कि देर आर वेरियस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये किसी भी डिपेंड करता है कि कौन सा हमने कंपोनेंट लिया है, उसके अकॉर्डिंग इसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में क्या है? इंटरेक्शन है। तो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा। फिर उसी तरीके से हमने दूसरा कंपोनेंट लिया है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा। और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट जब दोनों मिक्स हो जाते हैं और बन जाता है यहाँ पर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों भी है, तो यहाँ इंटरेक्शन किसका होगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। तो
आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितना सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन था, जितना सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन था, उतना ही इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट में होना चाहिए। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, जितना सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, दोनों मिलाकर दोनों का जितना भी ओरिजिनल इंटरेक्शन है, जितना मैग्नीट्यूड है, उतना ही मैग्नीट्यूड सॉल्यूट सॉल्वेंट का होना चाहिए। मतलब अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, अगर मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड एक्स वाई जेड, तो दो तीनों भी ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन रहती है तो वो सोल्यूशन कहलाता है आइडियल सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन ऑलवेज लाई बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब जो हमारा ग्राफ है, जो हमने रोल्स लॉ का ग्राफ हमने देखा है जो इससे पहले वाले लेक्चर में, तो इस आइडियल सोल्यूशन ने ये ग्राफ को ओबे करना चाहिए। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन ऑलवेज लाई बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। देखो ये पी वन नॉट जो है ये प्योर कंपोनेंट है, जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो ये इसके नीचे आना चाहिए, ये इसके नीचे आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल इसके नीचे स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ आना चाहिए। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके अपोजिट आते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? दिस सॉल्यूशन डू नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो है रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो उसे कहेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब देखो इसमें क्या हो जाता है कि वेपर प्रेशर लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट, लो या फिर हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन में कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं होता है, कम ज़्यादा होता है, तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट, जिसकी वजह से जो हमको ग्राफ मिलते हैं तो ग्राफ में डेविएशन आ जाता है। एक तो वो हायर की वजह से पॉजिटिव डेविएशन दे देगा या फिर नेगेटिव डेविएशन दे देगा। तो डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, दिस सॉल्यूशन शो टू टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डिपेंड करेगा कि वो जो वेपर प्रेशर है वो हाई होता है या लो होता है, और ये किस पर डिपेंड करता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं सॉल्यूशन के एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आता है प्योर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, रोल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन कब देता है देखते हैं। द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर वीकर। अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस क्या हो गए, वीक हो गए। किसके कंपैरिजन में? देन दोज बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो अच्छे से समझो कि हमारे पास में है एक कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास में कौन सा, सॉल्वेंट, और ये दोनों को मिक्स करते हैं तो बनता है हमारे पास में सॉल्यूशन। अब ये देखो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक। अब ये दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन में क्या आ जाता है, सॉल्यूट भी आ जाता है और सॉल्वेंट भी आ जाता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर वीक हो जाए एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट, एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट, पहले सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन यहाँ स्ट्रांग था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो भी होगा मतलब वो ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स हो जाते हैं तो इनका इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वीक हो जाता है। अगर वीक हो जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्योर
कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, इनका वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर लो है, मतलब इजीली इवेपोरेट नहीं होंगे। सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो हमने लिया है कंपोनेंट, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग रहेंगे तो वेपर प्रेशर लो रहेगा। लेकिन जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिए और इसका इंटरेक्शन वीक हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये डेविएट करेगा कैसे, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में जो ये इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आना चाहिए वो उससे ज़्यादा, मतलब ये जो वेपर प्रेशर ऐसे हमको स्ट्रेट लाइन मिलना था तो ये कैसे दे रहा है हमको, ये ज़्यादा की तरफ जा रहा है। ये जो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव डेविएशन जा रहा है। तो देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन आर हायर, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। द सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, अगर इथेनॉल एंड एसीटोन दो कंपोनेंट को मिला के सोल्यूशन बनाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन को मिलाते हैं तो भी पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो समझ में आ गया, जब सोल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट, उसे कहते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। अब इसके अपोजिट आएगा नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो इंटरेक्शन है, किसके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन है, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। इससे पहले वीक थे, अब स्ट्रांग हो रहे हैं। अब स्ट्रांग हो रहे हैं तो अब क्या हुआ कि जो ये सॉल्यूशन हमने फॉर्म किया है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, हमको पता है सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है मतलब ये इजीली इवेपोरेट नहीं करेंगे, इजीली इवेपोरेट नहीं करेंगे मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, इसका लो हो गया। और जब प्योर कंपोनेंट में थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जब वो मिक्स हो गए तो वेपर प्रेशर इनका कम हो गया। वेपर प्रेशर अगर कम होता है तो वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। जो रोल्स लॉ की कंडीशन है उससे इनका जो वेपर प्रेशर है वो लो जाएगा। ये देखो, ये इस तरीके से कर्व आ रहा है, ये नीचे की साइड जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर लो हो गया एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन आर लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट एज शोन इन फिगर। एग्जाम्पल है द सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन का एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये अगर दोनों को मिला दिया जाए, सोल्यूशन अगर बन रहा है तो वो नेगेटिव डेविएशन देगा रोल्स लॉ का। तो यहाँ दो कंडीशन आ गई आपके पास में, एक अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होता है तो नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर वीक होता है तो पॉजिटिव डेविएशन। अब देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहा गया है कि यहाँ एक कंपोनेंट जो लेंगे हम वो नॉन वोलाटाइल होगा और एक कंपोनेंट वोलाटाइल होगा। तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन मीन्स कि कॉलिगेटिव मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलेक्टेड टुगेदर। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होते हैं एंड नॉट ऑन देयर नेचर, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमको पढ़ना है फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वेपर प्रेशर लोअरिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसी फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़ना है। तो आज हम कवर करेंगे वेपर प्रेशर लोअरिंग, या फिर हम कह सकते हैं उसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब कंसिडर करते हैं यहाँ पर हम कि प्योर सॉल्वेंट है और दूसरा हमारे पास में ये सॉल्यूशन है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट एंड दूसरा सॉल्यूशन है। तो अब ध्यान में रखना है आपको कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। और सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट लेते हैं हम यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो लेते हैं हम नॉन वोलाटाइल
और सॉल्वेंट लेते हैं हम कौन सा, वोलाटाइल, तो नॉन वोलाटाइल, और दूसरा होता है वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता है, और सॉल्वेंट वोलाटाइल जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कैसा है, यहाँ पर वोलाटाइल है, ठीक है। अब ये वोलाटाइल है मतलब इसका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वोलाटाइल है, वो इजीली इवेपोरेट हो रहा है। इजीली इवेपोरेट हो रहा है मतलब प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन जब हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट डाल देंगे तो बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब बन जा रहा है तो इसका वेपर प्रेशर लो हो गया। क्यों लो हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस पे जो यहाँ पर पार्टिकल्स आ गए, तो सॉल्यूट के भी है और सॉल्वेंट के भी है। ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये है सॉल्वेंट के पार्टिकल, और जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो है सॉल्यूट के पार्टिकल। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने जगह को यहाँ पर घेर लिए, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वोलेटाइल कंपोनेंट का, सॉल्वेंट का, वो कम हो गया। तो वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, इसका कम हो जा रहा है। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि प्योर सॉल्वेंट वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर है सपोज पी नॉट, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये है पी। अब देखते हैं, इफ पी नॉट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो लिक्विड हमने लिया है, ठीक है, एंड पी इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कंसिडर कर रहे हैं पी। अब इसमें से किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर है, पी नॉट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और पी का वेपर प्रेशर कम है, मतलब पी नॉट इज़ ग्रेटर देन पी। इसका डिफरेंस निकालते हैं हम, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेपर प्रेशर, तो पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, तो किसका ज़्यादा था, पी नॉट का ज़्यादा था, और किसका कम है, पी का कम है, तो ये चेंज इन वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि पहले ज़्यादा था, है ना। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करे तो सॉल्यूशन बन गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो डिफरेंस क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पी कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये हो गया। तो अब यहाँ पर जो चेंज इन प्रेशर है, तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा पी, डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन प्रेशर पहले बढ़ रहा था बाद में कम हुआ, तो चेंज इन प्रेशर को हम डेल्टा पी से भी इंडिकेट करते हैं। अब लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, देखो इससे पहले हमने पढ़े थे रोल्स लॉ, जिसमें दो वोलाटाइल कंपोनेंट थे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी वोलाटाइल थे। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट वोलाटाइल है, और रोल्स लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर वोलाटाइल सब्सटेंसेस के लिए, वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, और दैट इज़ फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट द लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि ये लॉ एप्लीकेबल किसके लिए है, ओनली फॉर वोलाटाइल सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। तो ये जो रोल्स लॉ है वो स्टेट क्या करता है, रोल्स लॉ का स्टेटमेंट देखो, हमने देखा था कि रोल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये होता है अपना रोल्स लॉ का स्टेटमेंट। अब हमको यहाँ देखना है रोल्स लॉ सॉल्वेंट के लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, सॉल्वेंट को हम पी वन से इंडिकेट करते हैं, पी वन इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इन टू ये हो जाएगा एक्स वन। उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के लिए लिखेंगे हम पी टू इज इक्वल्स टू पी टू नॉट इन टू एक्स टू, और ये दोनों को जब हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए मतलब ये टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू, तो पी वन कितना है पी वन नॉट इन टू एक्स वन प्लस पी टू कितना है पी टू नॉट इन टू एक्स टू। लेकिन जो पी टू
टू नॉट है, मतलब ये जो पी टू जो हमने लिया है, सॉल्यूट जो लिया है, वो सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल. जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट होगा ही नहीं, बहुत ही कम होगा. तो इसको हम लेते हैं जीरो, क्योंकि नॉन वोलाटाइल है, वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, इवेपोरेट नहीं हो रहा है, तो वो लेंगे हम जीरो. तो जीरो इंटू एक्स एक्स टू जीरो, तो फिर रिमेनिंग क्या रहेगा? पी वन नॉट इंटू एक्स वन, तो फिर जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही रहेगा, तो ये आ जाएगा पी वन इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इंटू एक्स वन. तो यहाँ पर रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए स्टेटमेंट बनेगा, द लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी वन किसके लिए लिया हमने, सॉल्वेंट, ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी वन नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्स वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, दस पी वन इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इंटू एक्स वन. तो अब ये रोल्स लॉ की इक्वेशन होगी. अब हमको ये बताना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये हमको प्रूफ करना है. तो आगे हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब इसी की इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, मतलब रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ. रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी हमने जो इक्वेशन देखा, पी वन इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इन टू एक्स वन, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू वन. देयर फोर क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स टू. अब ये जो रोल्स लॉ की इक्वेशन थी, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन. अब इस इक्वेशन नंबर वन में क्या करना है हमको, ये जो एक्स वन की वैल्यू आ गई, ये देखो एक्स वन इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स टू कहाँ से आया, अभी हमने देखा कि एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू वन, देयर फोर एक्स वन इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स टू. तो एक्स वन की जगह हम वन माइनस एक्स टू लिख देते हैं, तो ये हो गया, ये देखो वन माइनस एक्स टू. तो ये इक्वेशन बन गई पी वन नॉट इन टू, अब यहाँ पर एक्स वन की जगह आ गया वन माइनस एक्स टू. अब इसको ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो गया पी वन नॉट इंटू वन, मतलब पी वन नॉट माइनस का साइन है, माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स टू, ये आ गया. यहाँ पे क्या है, पी वन, तो पी वन इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इंटू पी वन नॉट एक्स टू. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. देखो रीअरेंज करें कैसे, ये पी वन नॉट को इधर लेकर आ गए, ये हो गया पी वन को पी वन नॉट माइनस, ये हो गया पी वन इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इंटू एक्स टू. इसको को हमने क्या किए थे, रीअरेंज करे, ठीक है, इसको क्या किया हमने, रीअरेंज करे. और हेंस अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इंटू एक्स टू. अब यहाँ पर पी वन नॉट माइनस पी वन, ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने इससे पहले अभी पढ़ा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर को लिख सकते हैं हम डेल्टा पी. तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इंटू एक्स टू. तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है, ये इक्वेशन नंबर थ्री ये प्रूफ करती है कि जो डेल्टा पी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ऑन एक्स टू, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. दस डेल्टा पी इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब हमको आगे देखना है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब वेपर प्रेशर तो लो हो गया, लेकिन किसके कंपैरिजन में हुआ हुआ है, कंपैरिजन किसके, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इफ पी नॉट एंड पी आर द रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देन पी नॉट इज ग्रेटर देन पी. अब देखो वही वाला कॉन्सेप्ट यही आता है कि एक है हमारे पास में, क्या है यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, और इस दूसरा है हमारे पास में सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हमने ऐड किया है सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कैसा है यहाँ पर, नॉन वोलाटाइल. अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और ये सॉल्वेंट कैसा था हमारे पास में, वोलाटाइल था, तो वोलाटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या है,
इंक्रीजेस है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन जब हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो इसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कंसिडर पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर पी, किसका ज़्यादा है, पी नॉट इज़ ग्रेटर देन पी, जो डिफरेंस हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी, चेंज इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी। तो वेपर प्रेशर लो हो गया, वेपर प्रेशर लो हो गया किसके कंपैरिजन में, वेपर प्रेशर को लो हुआ एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, तो हम लिखेंगे पी नॉट, और सॉल्वेंट के लिए हम वन इंडिकेट करते हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा वन। तो फिर इसी तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन वेपर, तो डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट, इसको भी लिख सकते हैं हम पी वन नॉट। तो अब आगे देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, अभी हमने देखा पी वन नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाय पी वन नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इससे पहले वाली इक्वेशन में हमने देखा था कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी वन नॉट इंटू एक्स टू, तो फिर इसको अगर हम डिवाइड में लेकर आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल्स टू एक्स टू। तो वही वाली इक्वेशन है, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल्स टू एक्स टू, और डेल्टा पी क्या होता है, पी वन नॉट माइनस पी वन अप डिवाइडेड बाय पी वन नॉट। तो यहाँ पर ये इंडिकेट होता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मीन्स दिस इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, देयर फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक और आपको डेरिवेशन यहाँ पर बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एक्स टू ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अभी अभी हमने ये इक्वेशन देखा है कि डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल्स टू एक्स टू, इज दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब एक्स टू इज इक्वल्स टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया है आपको। तो मोल फ्रैक्शन एक्स टू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टू किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो एन वन किसके लिए है, सॉल्वेंट, और एन टू सॉल्यूट के लिए। तो ये हो जाएगा एक्स टू इज इक्वल्स टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, ठीक है। अब वेयर एन वन एंड एन टू आर द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली इन द सॉल्यूशन। वी आर कंसर्न ओनली विद डायल्यूट सॉल्यूशन, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। तो डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देयर फॉर एन वन इज ग्रेटर 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 देन एन टू। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर में से एन टू की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एन वन, मतलब एन टू की वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल थी, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स टू देन गिवन बाय, तो फिर ये एन टू जब निकल जाएगा तो एक्स टू की क्या वैल्यू रहेगी, एक्स टू इज इक्वल टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन। तो फिर ये जो एक्स टू की वैल्यू है, तो इस एक्स टू की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर वन में, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स टू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल्स टू एक्स टू की जगह आ गया यहाँ पे क्या, एन टू डिवाइडेड बाय एन वन। अब कंसिडर करते हैं कि एक सॉल्यूशन है जो आपने ले ले रखा है सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट है हमारे पास में सपोज डब्ल्यू वन ग्राम, और इसका जो मोलर मास है वो है एम वन ग्राम, इसका
मोलर मास है M1, सॉल्यूट का है W2 और मोलर मास है M2। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट कितने होंगे? तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स N1 W1 अपॉन M1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। उसी तरीके से यहाँ पर आएगा सॉल्यूट के लिए N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो फिर यहाँ पर N2 और N1 की वैल्यू मिल गई हमको, N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 एंड N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1। तो अब ये जो N1 और N2 की वैल्यू मिल गई है, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है N1 और N2 की, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। जब हमने इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय P1 naught इज इक्वल्स टू N2 की जगह आ जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 अपॉन, और N1 की जगह आ जाएगा W1 डिवाइडेड बाय M1। अब इसको ऑल सॉल्व करेंगे, डेल्टा पी अपॉन P1 naught इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा W2 इंटू M1, फिर ये हो जाएगा W1 इंटू M2। तो अब ये क्या है, डेल्टा पी अपॉन P1 naught, दिस इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा पी को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर और करके हम लिखेंगे ये इक्वेशन को, हम और लिख सकते हैं P0 माइनस P1 naught डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा P1 naught इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। अब ये जो नोइंग ऑल अदर क्वांटिटीज़, अब दूसरी सारी क्वांटिटीज़ अगर हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर W2 M1 W1 अगर पता चल जाए, तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा डेरिवेशन, जिसमें हमने रिलेशनशिप बताया बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसी के बेस्ड न्यूमेरिकल और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन।